हाँ जी, कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है करंटली? अगर आपने एप्लीकेशन लॉन्च की है एंड यू आर वेटिंग, या फिर आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हो, आपको कब तक लॉन्च करनी चाहिए? आप कंसर्न हो कि आपका वीज़ा कहीं ऐसा ना हो कि क्लासेस स्टार्ट हो जाएं और आपका वीज़ा ना आए? सो उस पे आज ये वीडियो बनेगी। आपका करंटली प्रोसेसिंग टाइम क्या है, विजिटर वीज़ा हो गया उसका प्रोसेसिंग टाइम भी बताऊंगा, स्टडी वीज़ा हो गया, नॉन एसटीएस एसटीएस सबका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं पुनीत शर्मा फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज से, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू आर न्यू व्यूअर। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके तरफ लेकर आते हैं, आपको एक तरह से जागरूक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑथेंटिक हैं जो मार्केट में चल रही है, एंड हम जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आप कंपेयर कर सकते हो। मोर ओवर हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर ही लोगे, एंड हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, प्लीज़ सब्सक्राइबर्स देयर। वहाँ पे भी हम जो रेगुलर अपडेट्स आते हैं कैनेडा यूके हो गया उनके रेगुलर स्टोरीज डालते हैं ताकि आप अप टू डेट रहो, चाहे प्रोसेसिंग टाइम है या जो भी चीज़ है। आप लिंक पे जाए सब्सक्राइब करें, आप फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, आपको स्टोरीज मिल जाएंगे जो भी कैनेडा की अपडेट्स होती हैं रेगुलरली। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम करंटली क्या चल रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि 15-20 दिन में भी रिजल्ट आता है, ये भी सुना होगा कि कई लोग 4-4 महीने से वेट कर रहे हैं, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। आपको मैं बता दूं कि पिछली वीडियोस में भी मैंने काफ़ी आज से 2-3 महीने पहले भी मैंने डिस्कस किया था, कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर जो उन्होंने अनाउंस किया था कि एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर की लाइक इस ईयर में कनाडा प्रोसेसिंग टाइम है जो नॉर्मल हो जाएगा। सो वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, कनाडा प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका है। नॉर्मल मतलब पेंडेमिक के पहले जब हमारे रिजल्ट्स एक महीने में आ ही जाते थे, तो बहुत चीज़ हमें मिलने को देखने को मिल रही है, एंड इवन बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा जो डिक्रीज हुआ है। मोर ओवर मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा इमिग्रेशन सिस्टम अभी वर्क कर रही है ताकि जो प्रोसेस जो नॉर्मल चले जो पेंडेमिक के पहले था। विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशंस 15 दिनों में भी रिजल्ट आते हैं, 2-2, 3-3 महीनों भी आता है। पहले बात तो आपको बता दूं कि जब एप्लीकेशन का 15 दिनों में रिजल्ट आता है वहाँ पे मुझे जो 70-80% रिजेक्शन ही देखने को मिली है, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी मीट नहीं करती एप्लीकेशन, तो वो वीज़ा ऑफिसर है वो रिजेक्ट कर देते हैं। जब 2-3 महीने लगते हैं उसमें ये क्राइटेरिया होता है कि वो वेरिफिकेशन करते हैं, लाइक जो आपने फंड्स शो किए या फिर इन्विटेशन लेटर मेल्स वगैरह डालते हैं, सो उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में विजिटर वीज़ा का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि जो महीने महीने में हमें देखने को मिलेगा, बट करंटली तो जो जिनका वीज़ा आना होता है या फिर 15 दिनों में वीज़ा भी आया था बट बहुत ही कम रेशो है उन चीज़ की, बट जो एक्चुअल का प्रोसेसिंग टाइम है 1-3 महीने करंटली, मैं कहूँगा कि वो 1 महीने 30-40-50 डेज़ के अराउंड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टडी परमिट की। स्टडी परमिट एसटीएस कैटेगरी का करूँ तो नॉर्मल अगर प्रोसेसिंग टाइम जो पैंडमिक के पहले था वो ये था कि एसटीएस में हमारा जो रिजल्ट था वो 25 डेज में आ जाता था, 25 डेज मैक्सिमम दिन थे, बट उससे बिफोर आ जाता था, 2-3 दिन में आ जाता था इवन एसटीएस कैटेगरी में पैंडमिक के पहले। एंड जो हमारी नॉन एसटीएस कैटेगरी थी, चाहे वो पीटीपी है चाहे वो किसी भी कारण करके नॉन एसटीएस में लगी है, उसका 45 डेज में आता था, बट करंटली जो एसटीएस का है वो बहुत अच्छा प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, इवन 30-30 डेज में भी रिजल्ट मुझे देखने को मिले हैं, 40 डेज में रिजल्ट आ ही जाता है आपका। अगर कई एप्लीकेशंस होती हैं जिन्होंने कोई भी लाइक ऐड ऑन किया था, वर्क एक्सपीरियंस ऐड ऑन किया होता है, इन केस वीज़ा ऑफिसर को लगा कि वेरिफिकेशन जानी चाहिए, उन केसेस में 40-50 दिन लग जाते हैं, बट बेसिकली 30-40 डेज में जो एसटीएस का स्टडी परम का प्रोसेसिंग टाइम है करंटली चल रहा है। आई होप कि आने वाले 1-2 महीने में ये हमें काफ़ी अच्छा और इम्प्रूव देखने को मिलेगा। सो आप अगर एप्लीकेशन करना चाहते हो, मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन अपनी क्लासेस स्टार्ट होने के अराउंड 60 से ज़्यादा दिन पहले लॉन्च करें, ताकि आप रश में ट्रैवल ना कर पाए, आपका सारा अच्छा टाइम हो आपके पास। वीज़ा स्टैम्पिंग को भी 15 दिन लग जाते हैं, काफ़ी एरियाज़ में एक वीक में भी हो जाता है, सो वो टाइम भी कैलकुलेट करें। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ नॉन एसटीएस पीटी पे, मैं बात करूँगा पीटी का 1-2 दिन में रिजल्ट कंट्री आ रहा है, हमारे पास भी रिसीव हुए। आई होप कि आपने भी देखा होगा कि 2-3 दिन में हमें जो पीटी का रिजल्ट है वो देखने को मिलता है, एंड जो नॉन एसटीएस कैटेगरी है
काफ़ी जो किसी वजह से नॉन एस टी एस में है, चाहे आपके एक मॉड्यूल में 5.5 है, वैसे तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता अगर आपके एक मॉड्यूल में 5.5 है आप लॉस करो, 6 ईच करके लॉस करो, बट स्टिल काफ़ी बच्चे लॉस करते हैं और काफ़ी बच्चे 6 महीने की ही फीस पे करके लगाते हैं। सो उन केसेस में 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाता है। करंटली नॉन एस टी एस का ज़्यादा अच्छा प्रोसेसिंग टाइम है, बट एस टी एस का थोड़ा सा फिर भी हम कह सकते हैं कि 40-45 डेज लग जाते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज़ लाइक कर वीडियो, एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ लेट अस नो कमेंट करके। अगर हमें टाइम मिलेगा मैं पर्सनली भी काफ़ी कमेंट्स रिप्लाई करता हूँ, आपका भी मैं क्वेरी है जो भी रिप्लाई करूँगा। उसके बाद काफ़ी और भी वीडियोस अवेलेबल है, जैसे कि अगर रिजेक्शन आती किसी बच्चे की उसका क्या स्टेप होना चाहिए। सो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, यू कैन चेक आउट दैट। एंड लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स होती है वो स्टोरी के जरिए स्टूडेंट्स को रेगुलरली देते हैं। सो आपको भी रेगुलरली वो अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। सत श्री अकाल।